Hello friends, this time I am here with a new dupatta painting. In this video I did freehand painting and I used Favicol acrylic colors and Camel Fabrica colors like lemon yellow, golden yellow, crimson red, sap green, white and black colors. I have used 5 number angular brush to make this design. I took water and color into the ratio of 1:3. That means 1 part of water and 3 part of color. Neither the color should be too thin nor too thick, because I took tissue dupatta on which the color doesn't spread as the fabric doesn't absorb the color and water. But I used thick color without mixing of water for the outline of the flowers and leaves. So guys, if you really like my video, please don't forget to subscribe my channel and like my video. And if you have any query related to this painting, leave your comment in the comment section. I will try to get back to you as soon as possible. Thank you so much. इस दुपट्टे में मैंने फ्री हैंड पेंटिंग को फैब्रिकल एक्रिलिक कलर्स और कैमल फैब्रिका कलर्स जैसे कि लेमन येलो, गोल्डन येलो, क्रिम्सन रेड, सैप ग्रीन और वाइट और रेड वाइट और ब्लैक कलर्स यूज़ करके बनाया है। इस फ्लोरल डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने 5 नंबर का एंगुलर ब्रश यूज़ किया है। इस दुपट्टे में मैंने पानी और कलर का लगभग 1:3 का रेशो लिया है, यानी कि 1 पार्ट वाटर और 3 पार्ट्स कलर इस्तेमाल किया है। कलर ज़्यादा ना ही थिन है और ना ही ज़्यादा थिक है, क्योंकि ये दुपट्टा टिश्यू का है तो ये फैब्रिक ज़्यादा वाटर और कलर को एब्जॉर्ब नहीं करता है और कपड़े पर फैलता नहीं है, इसलिए कलर में थोड़ा वाटर मिक्स करके पतला बनाया है। लेकिन फ्लावर्स की जो आउटलाइन करी है मैंने, उसके लिए मैंने थिक कलर लिया है, वाटर बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपको कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आपके दिमाग में, कोई भी अगर क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन पर पूछिएगा और जितना जल्दी हो सकेगा मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। और इस वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिएगा।